में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आगे आया सेल। बोकारो सेल ने लखनऊ के लिए भारी मात्रा में रवाना किया लिक्विड ऑक्सीजन। कंपनी हर दिन देश के कई राज्यों को कर रही है 660 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल की है। सेल की ओर से जारी विज्ञापन में बताया गया है कि कंपनी ने अगस्त 2020 से 21 अप्रैल 2021 तक देश के विभिन्न राज्यों को 36,747 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि के साथ सेल ने इस महीने की शुरुआत से ही उत्पादन बढ़ाने का जोर दिया। पिछले 6 दिनों में कंपनी ने अपने संयंत्रों से प्रतिदिन औसतन 660 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। अकेले 21 अप्रैल को कंपनी ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 891 मैट्रिक टन की आपूर्ति की है। इस मामले में बोकारो की भूमिका सबसे आगे रही है। बोकारो ने लगभग 3000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अपने राज्य झारखंड के अलावा यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल को दिया है। वहीं आज लखनऊ के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का एक बड़ा खेप रवाना किया गया है, जिस पर बोकारो सेल के डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि देश की प्रगति में हमेशा सेल ने और रेल ने आगे बढ़कर भूमिका निभाई है। आज जो देश में ये संकट उत्पन्न हुआ है, इस समय में देश में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, जो कि हम अपने ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन बनाते हैं और हम लोगों ने रेलवे के साथ हाथ मिलाकर यह कदम उठाया है। जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से यहाँ 3 टैंकर्स में आई है, लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन हमने 4 घंटे में भर दिया है और वापस इसे रेलवे लखनऊ ले जा रही है। इसी तरह से देश और दूसरे स्थानों से भी जैसे जैसे ट्रेन से टैंकर आते जाएंगे, हम लिक्विड ऑक्सीजन उनको भर कर सप्लाई करेंगे। हमारी उम्मीद है इस देश में इस पैंडेमिक में लोगों को राहत मिलेगी, सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी, इसके लिए हम सभी तत्पर हैं। उन्होंने बताया कि हमारी उत्पादन क्षमता 150 टन प्रतिदिन है और इसको लेकर हम यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेल से टैंकर लोड कर लाने के समय ही बचत होगी और लोगों को समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगा। सर यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ तक जा रहे हैं? सर देश की प्रगति में हमेशा सेल ने और रेल ने आगे बढ़ के भूमिका निभाई है। आज इस पैंडेमिक में जो संकट देश के सामने उत्पन्न हुआ है, इस समय में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। चूँकि हम अपने स्टील प्लांट में ऑक्सीजन बनाते हैं, तो हम लोगों ने रेलवे के साथ हाथ मिलाकर ये कदम उठाया है। जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से यहाँ आई है और हमने 3 टैंकर इसमें आए हैं, लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन हमने 4 घंटे में इसमें भर दिया है और अब हम इसको वापस रेलवे इसको लखनऊ ले जा रहा है। इसी तरह से देश के दूसरे स्थानों पर भी जैसे जैसे ट्रेन से टैंकर आते जाएंगे, हम लिक्विड ऑक्सीजन उनको भर कर सप्लाई करेंगे। हमारी उम्मीद है इससे देश में इस पैंडेमिक में लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी, इसके लिए हम सभी तत्पर हैं। सर कितना उत्पादन करने की क्या क्षमता है? हमारी उत्पादन क्षमता लगभग 150 टन प्रतिदिन है और इसको लेकर हम यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है? अभी तक इन सारे स्टेट्स में हम भेज चुके हैं और लगातार इन सारे स्टेट्स में भेजते रहेंगे। रेलवे और रोड में दोनों में से वाइबल कौन? जो रोड से जब टैंकर, आप ऐसे सोचें कि लखनऊ से यहाँ की दूरी लगभग 870 किलोमीटर है, अगर टैंकर रोड से आएगा तो उसे 2 दिन लगेंगे, लेकिन रेल पर टैंकर चढ़ाकर लाने से ये टैंकर यहाँ 1 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। अभी समय ऐसा है जब हम जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुँचाना चाहते हैं, इसीलिए रेल का ये कदम कि वो टैंकर को अपने वैगन पे लोड करके ला रहे हैं, इससे समय बचेगा। एवरी वेलकम यू've नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।